प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है इससे रिलेटेड जो की पॉइंट्स हैं, जो बेसिक फॉर्मूले हैं और जो कुछ ट्रिकी पॉइंट है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है कि करंट आखिर होती क्या है। तो करंट इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसका मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, राइट। अब यदि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई कि क्यू यदि किसी भी सर्किट में दे रखा है जो कि टाइम टी के साथ चेंज हो रहा है, तो यदि आप करंट निकालना चाहते हैं तो सिंपल सी बातों से आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। लेकिन अब आपको यदि ये पता करना है कि टोटल कितना चार्ज फ्लो किया है ड्यूरिंग द टाइम टी वन टू टी टू, तो सिंपल सी बात है इसी एक्सप्रेशन को लेकर के हम लोग काम करेंगे और डी क्यू को लिखा जाएगा आई डी टी और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग द टाइम टी वन टू टी टू, इट इज गिवन बाय क्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी एंड द इंटीग्रेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम टी वन टू टी टू, राइट। अब सपोज करंट आई की वैल्यू यदि कांस्टेंट हो जाए तो क्यू की वैल्यू सिंपली क्या लिखी जाएगी आई टी, तो आई हम लोग लिख सकते हैं क्यू बाई टी के इक्वल। तो ये तभी वैलिड है जब करंट की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो यदि मान लिया जाए कि करंट विल कंस्टिट्यूट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उस केस में आई को आप लिखेंगे क्यू बाई टी और क्यू विल बी इक्वल टू एन ई, राइट, क्योंकि हमारे को क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल कहता है क्यू इक्वल टू एन ई। तो वहां से आपके पास आ जाएगा आई विल बी इक्वल टू एन बाई टी इंटू ई। तो हमें 1 एम्पियर करंट लाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें पर सेकंड फ्लो कराना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड विल बी इक्वल टू 6.25 × 10^18 फॉर 1 एम्पियर करंट। लेकिन वहीं पर यदि अल्फा पार्टिकल्स की बात करी जाए तो अल्फा पार्टिकल्स के लिए यदि आपको 1 एम्पियर करंट लाना है तो आपको 3.125 × 10^18 अल्फा पार्टिकल्स को फ्लो करा दीजिए, तो आपको यहां पे मिल जाएगा 1 एम्पियर करंट, राइट। तो ये कुछ की पॉइंट्स था जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है और ये चार्ज पार्टिकल स्पीड वी से, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड है, इस सर्कुलर पाथ में चले जा रहा है और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस आर है। हमें ये बताना होता है कि इक्विवेलेंट करंट कितना होएगा। तो यदि हमें इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उस केस में हम लोग सिंपल सी बात है आई इक्वल टू क्यू बाई टी लिखेंगे, राइट। तो क्यू बाई टी लिख दिया। अब ये टी टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन है, तो 1/T होती है फ्रीक्वेंसी के इक्वल, तो इसको आप एफ क्यू भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, ओमेगा इक्वल टू 2π/T होती है, तो टी को मैं 2π/ω यदि यहाँ पे प्लेस कर दूंगा तो ये हो जाएगा क्यू ओमेगा डिवाइड बाई 2π। या और भी तरीका है, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है तो f की जगह पे मैं ओमेगा बाई 2π लिख सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, ओमेगा की जगह मैं यहाँ पे v/r भी लिख सकता हूँ, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा r होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा क्यू भी डिवाइड बाई 2πr। या दूसरा तरीका और है कि टाइम पीरियड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन होती है 2πr/v यदि स्पीड पार्टिकल की कांस्टेंट रहती है, तो मैं ये टी की जगह ये प्लेस कर दूंगा, यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ क्यू भी अपॉन 2πr। ये काफी एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, तो इसको ध्यान में रखना है। जैसे कह देगा आपको कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन एफ दे रखा होगा सर्कुलर पाथ में, कह देगा इक्विवेलेंट करंट बताइए, तो सिंपल सी बात है आई इक्वल टू एफ क्यू, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और रिंग अपने एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट करंट, द इक्विवेलेंट करंट इज गिवन बाय क्यू ओमेगा डिवाइड बाय 2π, राइट। तो ये दो रिजल्ट्स हैं जो बार बार यूज होएगा आगे के कई सारे प्रॉब्लम में, तो इन दो रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं।